हेलो बच्चों, आज मैं आपको हिंदी में हिंदी रीडर की बुक से चैप्टर 7 रसोई घर पर पढ़ा रही हूँ। ठीक है, चैप्टर का नाम है रसोई घर। चलिए इसको शुरू करते हैं। ये एक ठीक है, सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं, गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजा कर। गोल चांद सी हूँ मैं थाली, बज सकती हूँ बन कर ताली, मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। ठीक है, ये थी हमारी इस जो इस चैप्टर में है। ठीक है, तो क्या है इस चैप्टर में, अब ज़रा इसको समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, कह रहे आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। जो रसोई घर है, रसोई घर बोलते हैं किचन को, जो हमारा किचन होता है उसे रसोई घर बोलते हैं। मुन्ना मुन्नी दो छोटे बच्चे हैं। ठीक है, यहाँ पर उनको भी कहा गया है कि वो दो छोटे बच्चे जो हैं मुन्ना मुन्नी, वो रसोई घर की खिड़की बोल रहे हैं, यानी कि किचन की खिड़की वो खोल रहे हैं। अंदर देखा चकला बेलन, ये होता है आपका चकला बेलन, जिस पटा बेलन जो होता है जिससे रोटी बनती है, और चाकू छलनी बोल रहे हैं। चाकू आपकी छुरी होती है नाइफ, जिससे कट करते हैं नाइफ, और छलनी आपकी जिससे आप चाय छानते हैं। ठीक है, तो ये उसने देखा कि किचन में जो बर्तन हैं वो क्या कर रहे हैं, चकला बेलन और चाकू छलनी बोल रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं, मतलब जो चाकू है वो कह रहा है कि मैं सब्जी फल काटूं और सबको टुकड़ा टुकड़ा बांटूं, गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजा कर। जो गाजर मूली प्याज टमाटर है उसे छीलो, फिर क्या करते हैं, पहले छीलते हैं फिर कट करते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं, प्लेट में सजा कर रखते हैं। जब गाजर मूली प्याज टमाटर की सैलेड बनाते हैं तो उसे अच्छे से हम डेकोरेट करके प्लेट में रख देते हैं सजा कर। फिर जो थाली होती है जिसमें हम खाना खाते हैं, वो कह रही है गोल चांद सी हूँ मैं थाली, भर सकती हूँ बन कर ताली, मतलब जो मैं थाली हूँ गोल चांद के जैसा, मेरा जो शेप है वो चांद के जैसा है, गोल होती है चांद थाली। ठीक है, तो वो मेरा शेप जो है वो चांद के जैसा है, और मैं ठीक है, और मैं जो है थाली की तरह बज सकती हूँ, मतलब थाली को अगर आप बजाएंगे तो वो थाली बजती है ना, उसमें से साउंड आती है, तो वही कह रही है कि मैं बज सकती हूँ बनकर ताली, मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। मतलब प्लेट में हम खाना कब निकालते हैं, जब हमें खाना होता है, जब प्लेट में खाना निकल आता है तो सब लोग जल्दी से उसे फिनिश कर लेते हैं। तो अब आपको ये रसोई घर की पिक्चर गिवन है। ठीक है, पूरा ये आपका किचन है जहाँ पर सारे, देखिए सारे बर्तन रखे हुए हैं, सारा किचन का सामान है यहाँ पर। ठीक है, आपको ये एक्सरसाइज, इस चित्र को देखकर आपको ये एक्सरसाइज करनी है। रसोई घर का चित्र देखो और बताओ कि सही क्या है और गलत क्या है। ये कह रहे हैं, देखिए फर्स्ट में लिखा है पतीला चूल्हे के नीचे है, तो पतीला चूल्हे के नीचे है क्या, नहीं चूल्हे के ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। सेकेंड है आपका चूहा अंगीठी के अंदर है, अब चूहा अंगीठी के अंदर है या नहीं है ये हमें चित्र को देखकर पता चलेगा, तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इसको दिखा रहा है। ठीक है, आप इसको जब अपनी बुक में देखेंगे जूम करके, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये जो चूहा है ये पति इसके अंदर बैठा हुआ है अंगीठी के। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है टोकरी में आम रखे हैं, जो टोकरी है उसमें आम रखे हैं, नहीं यहाँ पर टोकरी जो है इसमें क्या है, सब्जियाँ रखी हुई हैं। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अक्षय चावल बीन रहा है, जो ये बच्चा है यहाँ पे चावल बीन रहा है, हाँ ठीक है, ये तो आपका देखिए है करेक्ट हो जाएगा। माँ खाना बना रही हैं, माँ क्या कर रही, खाना ही तो बना रही हैं, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। आले में लालटेन रखी है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। दादी किताब पढ़ रही हैं, देखिए दादी
किताब पढ़ रही हैं। सुहानी खिड़की से झांक रही, सुहानी इनकी कैट का नाम होगा जो कि खिड़की से झांक रही है। ठीक है, तो आप इस पिक्चर्स को, पिक्चर को अपनी बुक में अच्छे से देखिए, उसको आइडेंटिफाई करिए कि कौन से ऑप्शन सही हैं और कौन से गलत हैं। ठीक है, अभी आपने चैप्टर में पढ़ा कि जो चाकू है वो क्या करता है। मैं चाकू हूँ, तो आपने इसमें पढ़ा कि चाकू क्या करता है। मैं सब्ज़ी काटता हूँ। ठीक है, मैं सब्ज़ी काटता हूँ, इसमें आप लिख सकते हैं काटता हूँ। ठीक है, काटता, का में बढ़िया की मात्रा काटा, ता में आकी बड़ा की मात्रा काटता हूँ। मैं सब्ज़ी काटता हूँ, लिख लीजिए इसमें काटता और हूँ। ठीक है, फिर सेकंड है हम, अब क्या क्या पढ़ा आपने इसमें, चकला बेलन। ये पटा बेलन क्या बोलते हैं, चकला बेलन। तो चकला बेलन आप यहाँ से स्पेलिंग देख लेंगे, हम चकला बेलन है, मतलब यहाँ देखिए चकला, चा का लाण बड़े एक मात्रा और बामे एक एक ही मात्रा ला और ना, बेलन। ठीक है, बामे एक मात्रा बे ला ना लन, बेलन, चकला बेलन है। और क्या करते हैं चकला बेलन, हम रोटी बेलते हैं। रोटी तो बनती है, तो इसमें लिख लेंगे रोटी। ठीक है, राम बड़े उपमात्रा रोट, आम बड़ी उपमात्रा पी रोटी। नेक्स्ट है मैं छलनी हूँ। छलनी से क्या काम होता है, देखिए छलनी से क्या होता है, चाय छानी जाती है, तो मैं चाय छानती हूँ। चाय बड़ी उपमात्रा चा और या, चाय छानती हूँ। ठीक है, मैं थाली हूँ। आपको यहाँ पर पिक्चर दिखाई दे रही है, ये थाली की पिक्चर है। तो मुझमें क्या होता है, मुझमें खाना खाओ, खाना खाते हैं रोटी सब्जी खाओ। ठीक है, रोटी सब्जी लिख लीजिए, दाएँ बड़ी उप मात्रा रो, टाँग बड़ी मात्रा टी रोटी, सा आधा बा, जाम बड़ी एक मात्रा जी सब्जी, रोटी सब्जी का खाओ। ठीक है, मैं छीलनी हूँ। छीलनी मतलब जो छीलते हैं जिससे हम लोग, ठीक है, छिलका छीलने वाली। तो मैं क्या करती हूँ, छिलका छीलती हूँ। झा में बड़ी की मात्रा छील ला और ता में बड़ी की मात्रा ती, छीलती और ती, मैं छिलका छीलती हूँ। फाइन, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या काम हो रहा है, आपको इसमें सर्कल बनाना है कि यहाँ पर सेकना क्या होता है, जब गैस पे कोई चीज़ सेकी जा रही हो, है ना, या चूल्हे पर। बेलना क्या होता है, रोटी बेली जाती है। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये पूरी तली जा रही है, तो यहाँ पर तलना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। और तलना जो ऑप्शन है आपको, इसी पर आपको क्या कर देना है, गोला बना देना है, क्योंकि ये करेक्ट ऑप्शन है, सर्कल बना देना है। ठीक है, किन से काटोगे, मतलब यहाँ पे आपको इतने सारे पिक्चर्स दिए हैं, पिक्चर्स गिवन है, उनके नाम गिवन है, आपको बताना है कि आपको अगर कुछ काटना होगा तो आप किन चीज़ों का यूज़ करते हैं। चाकू, हाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। सिलबट्टा, नहीं, तो सिलबट्टे से हम कुछ काट नहीं सकते हैं। छीलनी, छीलनी से क्या होता है, छीलते हैं, है ना। पेंसिल, हाँ इसे काट सकते हैं। ठीक है, दाव, इसे भी काट सकते हैं। कैची, इसे भी काट सकते हैं। हथौड़ा, नहीं, हथौड़ा काटने के लिए नहीं यूज़ होता है। गुलेल, ढक्कन, नो। ठीक है, किन से क्या काटोगे, किससे क्या काटोगे, मतलब जैसे आपका यहाँ पे है कपड़ा, तो कपड़ा आप तो किससे काटेंगे, कैची से कि चाकू से। कपड़ा जाहिर सी बात है कैची से कटेगा। ठीक है, कागज़ आपका, कागज़ किससे कटेगा, कागज़ भी आपका कैची से ही कटेगा। आम, हम चाकू से काटेंगे, आम को कैची से ना काटते हैं। बैगन, सब्जी है तो कैची से काटेंगे, सॉरी चाकू से काटेंगे। रस्सी, कैची से काटेंगे। सेब, चाकू से काटेंगे। गन्ना, गन्ना किससे काटेंगे, कैची से कि चाकू से, चाकू से। ठीक है, तो यही हमारा चैप्टर नंबर 7 था। आई होप आपकी समझ में आया होगा, आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड इफ नॉट यू कैन वॉच द वीडियो अगेन। सी यू इन लाइव क्लास। Thanks for watching.